मोदी सरकार का 10वां बजट आज पेश किया जा चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 के लिए पेश किए गए इस यूनियन बजट में डिजिटल करेंसी को लेकर के काफी कुछ नया सुनने को मिला। ऐलान किया गया है कि आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, जिसको डिजिटल रुपी का नाम दिया गया है। ये भारत की अपनी डिजिटल करेंसी होगी। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का कहना है कि डिजिटल करेंसी के आने से डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और इसके साथ ही जो करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी सस्ता हो जाएगा। उन्होंने बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके इस करेंसी को होलसेल और रिटेल दोनों ही क्षेत्रों में लॉन्च किया जाएगा। रिजर्व बैंक की जो डिजिटल करेंसी है उसका नाम होगा CBDC, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इस वर्चुअल करेंसी की मदद से जो नगद पैसा होगा उसे डिजिटल में बदला जा सकता है, फिर इस पैसे को बैंकों में जमा किया जाएगा। इससे क्या होगा कि सरकारी खर्च कम होगा और जो स्टोरेज है वो भी कम होगा। सरकार के लिए ये काम अलग से नहीं होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए से सभी रुपयों को डिजिटल करेंसी में बदला जाएगा और फिर जैसा कि मैंने पहले बताया इसे डिजिटल रुपी कहा जाएगा। आइए अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। तो बजट में बताया गया कि डिजिटल करेंसीज जैसे बिटकॉइन वगैरह पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। किसी भी तरह के डिजिटल एसेट को अगर आप खरीदते या बेचते हैं तो उस पर 30% का टैक्स लगेगा और इसे वर्चुअली ट्रांसफर करने पर आपको 1% का TDS देना होगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो जो गिफ्ट ले रहा है उसे टैक्स देना होगा। हालांकि अभी साफ तौर पर तो सरकार ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह पर टैक्स लगाया जा रहा है तो एक तरीके से सरकार कहीं ना कहीं उसे मंजूरी दे रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ABP News आपको रखे आगे।